मिठास घोलने वाला उत्तर प्रदेश आपको याद होगा आज हम यानी हमारी डीडी किसान की टीम जिला बिजनौर तहसील धामपुर और गांव पल्ला वाला पहुंच गई है आज इस गांव में हम चर्चा करेंगे कि डीएफआई यानी कि आपकी आमदनी जो है वो दोगुनी हुई या नहीं हुई है किस तरह से उत्तर प्रदेश में रहने वाले किसानों की आमदनी दोगुनी हो रही है किस तरह से हमारा किसान जो है वो तरक्की कर रहा है तो चलिए आज के मेहमान आप भी बनिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश आए हैं आप इस चर्चा में जुड़िए और जानकारी लीजिए की हमारे सरकार का सपना जो है वो साकार हुआ या नहीं तो हमारी मशीन पर काम चल रहा है सौरभ जी भी यहाँ पर मौजूद है नमस्कार नमस्ते मैम तो आपका पूरा नाम बताया सौरभ गुप्ता गुप्ता जी आपकी चर्चा तो पल्ला वाला में आते ही शुरू हो जाती है तो हमने सोचा क्यों ना सौरभ जी के वहाँ पर चलकर देखा जाए किस तरह से आप काम कर रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर हमारी जो एक फैक्ट्री है जिसमें महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है एपीओ बनाकर महिलाओं को जोड़ा जा रहा है सबसे पहले जानना चाहूंगी की आप काम क्या करते हैं किसानों के लिए क्यूँकी खुद किसान है आप तो ऐसा है की हम लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं और के जो खेत में गन्ना होता है जो और चीज़ें मिलेट्स वगैरह होते हैं उनको सबको प्रोसेस करके पैकेज करके थोड़ा वैल्यू एडिशन करके डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं इसके लिए हम लोगों ने एक यहाँ के लोकल नाम से एक अपना ब्रांड बनाया है उस वजह से हम लोगों को अपनी प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है और उसकी वजह से हम लोग किसान को ये दिखा रहे हैं कि कैसे किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकता है और बाकी के किसान देख के कई लोग मोटिवेट होकर अपनी छोटी छोटी यूनिट्स बना रहे हैं जिससे कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सके जी जी अच्छा सवाल ये रहेगा कि आपने यहाँ पे मैंने देखा ट्रेनिंग भी देते हैं और महिलाओं को सिखाया जाता है कि किस तरह से ये काम किया जाता है तो कितनी महिलाएं हैं जो घरों से बाहर निकलकर यहाँ पर काम कर रही है तो शुरू में बहुत दिक्कत थी महिलाओं को घर से बाहर निकालना क्योंकि महिलाएं केवल घर में रहना चाहती थी और चाहती नहीं थी कि घर से बाहर आके कुछ किया जाए उनको कॉन्फिडेंस की कमी थी बहुत ज़्यादा तो मैंने कुछ शुरू में पाँच दस महिलाओं से शुरू किया उन लोग को ट्रेन किया कि कैसे फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री में छोटा छोटा काम किया जा सकता है जैम अचार सौंफ और चीज़ें ऐसी माउथ फ्रेशनर चीज़ें जैसी बहुत कम इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छी चीज़ें बनाई जा सकती हैं और आठ से दस गुना मल्टीप्लिकेशन हो जाता है वैल्यू एडिशन में किसान के प्रोड्यूस में थोड़ा सा बस इन्वेस्टमेंट करके और थोड़ा सा पैकेजिंग इंप्रूव करके तो अब कुल मिला के दो सौ महिलाएँ यहाँ ट्रेन होती हैं और वो काम कर रही हैं और यहाँ से सीख के फिर वो अपना काम करती हैं कुछ जाके अपना पापड़ अचार कुछ कुछ चीजें बनाती हैं और कस्टमर को पहुंचाती हैं। अच्छा देखिए सबसे अच्छी बात है सीईओ, हाँ, मैनेजर, 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 प्रिंटिंग जो पैकेट पे प्रिंटिंग करना होता है छोटी छोटी इस तरह की बहुत सारी हैं बट धीरे 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 सब चीज हंड्रेड परसेंट विमेन ओरियंटेड इंडस्ट्री है महिलाओं से ही जान लेते हैं किस तरह से यहाँ पर हमारी जो महिलाएं हैं काम करती हैं किसान महिलाएं क्या नाम है आपका जी उषा उषा जी कैसे काम करती हैं किस तरह से यहाँ पर आप जो है ये पैकिंग तैयार कर रही हैं जी पहले तो इसे भरते हैं सात ग्राम फिर तोलते हैं इसे हाँ। फिर पैकिंग इसमें सील अच्छा, दिन भर में कितना बना लेती है चालीस पचास पहले क्या करती थी कितना टाइम हो गया यहाँ काम करते हुए जी एक महीना हो गया एक महीना हो गया है हाँ आपको कैसे पता चला कि भाई यहाँ काम करना चाहिए खेतीबाड़ी के साथ साथ इस काम को भी सीखना चाहिए जी क्या नाम हमारे गांव की दो लेडीज आती थी काम करने लिए उनसे पूछा फिर मैंने सोचा मैं भी कुछ कर इसलिए हम पहले सिर्फ घर संभालती थी। जी घर पे रहती थी मैं घर का काम करती थी बस अब, अब कैसा लग रहा है घर से बाहर निकल कर काम करना और खुद का कहीं ना कहीं नाम हो जाना जी बहुत अच्छा लग रहा है काम करती है कंपनी में तो आपका क्या नाम है जी मेरा नाम सोनम देवी है सोनम देवी जी कितना समय हो गया है ये रोजगार आप पाए हुए या कितना समय हो गया काम करते हुए सर ये मैगम हमें एक साल हो गया काम करते हुए अच्छा, एक साल से आप काम कर रही हैं जी सर अच्छा सब कुछ यहाँ पर महिलाएं ही संभालती हैं जी सब कुछ महिलाएं संभालती हैं पेंटिंग भी जबकि हम पोली हाउस में जैकिल छानती है उसे महिला छानती है लाती है, है फिर हम तोलते हैं पैकिंग होते हैं सत्य सस्वी का हम बना देते हैं एक दिन जो यहाँ पर गन्ना आता है वो आपके खेतों का ही होता है जी होता है अच्छा हम सब आते हैं फिर यहाँ मार्केट में लगा के उसको दुगने पैसों पे बेच के और तुम्हारा मतलब ये गुड़ चना गुड़ सौंप जैकरी बना के हम मार्केट में बेच देते हैं वाह इतना सब आपने कैसे सीखा कि भाई इससे गुड़ भी बनाया जा सकता है घर पर रहते थे उसके बाद हम यहाँ कंपनी आए मालूम हुआ तो यहाँ कंपनी में हमने काम सीखा मतलब तो अपने पर जरूरत जरूरत थी हमारी उन्हें पूरा करने के लिए हमने काम चालू कर दिया क्या नाम है आपका निहारानी अच्छा नेहा रानी नाम कितना खूबसूरत है तो नेहा रानी से ही जान लेते हैं पढ़ाई करती है आप जी पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रही है। जी बिल्कुल पढ़ाई के साथ साथ जॉब करनी भी जरूरी होती है अपने पैरों पर पे खड़ा होना चाहिए लड़कियों को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए हम यहाँ आई हूँ मुझे यहाँ काम करना अच्छा लगता है यहाँ का स्टाफ काफी अच्छा है काफी अच्छे से काम करते हैं सिखाते हैं सब कुछ तो बहुत अच्छा लगता है अच्छा क्या क्या गन्ने से बना लेती हैं क्या क्या चीजें बनती हैं मालूम है जी बिल्कुल गन्ने से यहाँ जैकरी पाउडर बनता है गुड़ चना ये वगैरह सब गन्ने से ही बनते हैं देसी खांड हुई सब चीज बनती है सब पैकिंग होता है है जी आपका क्या नाम बालिस बालिस दीदी अभी पाँच छह महीने हुए लेकिन सबसे बड़े सर तो कह रहे हैं बोस् तो हमारे यहाँ पर संभालने वाली महिला है इनमें से तो बता नहीं, नहीं इनमें से तो हम सभी हैं सभी मिल जो भी बोस कर सकते हैं सभी हैं क्या बात है अच्छा कितना अच्छा लग रहा है एक तो पहले घर में सिर्फ चूल्हा चौका करना और अब घर से बाहर निकल कर काम कर दीदी बहुत अच्छा लग रहा है पहले तो घर में ही अपने घर की जिम्मेदारी समझ रहे थे मतलब चूल्हा वहा रोटी पकानी और हमारे पति मतलब कम काम मजदूर थे तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर से बाहर निकलूँगी तो मैं अपने कुछ कर पाऊँगी अपने घर गृहस्थी के लिए मेरे बच्चे हैं तीन और मैंने सोचा मेरे बच्चे पढ़ पाएंगे और मैं करूंगी तो कुछ मेरे पति करेंगे कुछ मैं करूंगी लेकिन इससे एक सवाल पूछूंगी पतिदेव का सपोर्ट मिल रहा है कि आप घर से बाहर जाइए काम करिए जी पति का है कि मतलब आप जाओ कि कर लो कि मैं भी आपको बहुत करूँगा कि आप जाओ कि कुछ आजकल आज पति से नहीं मांगना होता होगा पैसे खुद कमाती है। हाँ प, बस अपना कुछ खर्च कर लेती हूँ बच्चों का भी और अपना भी सबसे पहले और सबसे मुस्कुराते हुए आता है कि अब नहीं मांगना पड़ता है ना तो देखिए महिलाओं का एक ऐसा एपीओ जहाँ पर अलग अलग चीजें तैयार हो रही है शायद आपने भी पहले नहीं देखी होगी मैंने भी नहीं देखी और इतनी बढ़िया चीजें हैं सब कुछ ऑर्गेनिक है भाई जब आप खाएंगे तो आप भी कहेंगे वाह क्या बात है लेकिन पूछना पड़ेगा इनको कि क्या बना रही है ये आपने क्या तैयार किया है क्या माम आपका देखा रानी देखा रानी बहुत मुस्कुरा रही है मुझे लगता है बड़ी खुशी है काम करके अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है क्या है इसमें मैं जान सकती हूँ किस तरह से इसको बनाते हैं ये गुड़ का बनता है क्या बोलते हैं इसको गुड़ सौप अच्छा सौंप की बनती है ना है है? हाँ तो ये गुड़ सौप बोला जाता है तो इसको आप खुद बनाते हैं हाँ ये हम ही लोग बनाते हैं सब मिलकर बनाते हैं मुझे इसकी बताइए किस तरह से बनाया जाता है ये कुछ चीजें ऐसी रहती है जो जिनमें बनाई जाती है इनमें इसमें सौंप डलती है गुड़ डलता है तभी जाके तैयार होती है और फिर ये पैकिंग के लिए आती है अच्छा फिर हम इसे पन्नी में पैक करते हैं फिर ये मार्केट में जाती है अच्छा इस तरह से जो आप काम कर रहे हैं इससे कहीं ना कहीं किसानों की आमदनी बढ़ रही है बढ़ रही है तो और भी हमारे यहाँ पर महिलाएं हैं उनसे भी हम जानेंगे जी क्या नाम है आपका रीता रानी रीता रानी पहले क्या करती थी ये पूछना चाहूंगी कॉलेज जाते थे मतलब स्कूल टाइम में उसके बाद घर घर का काम करते थे बी फाइनल हो गया पे कितना टाइम हो गया यहाँ पे एक साल अच्छा ये जानकारी कहाँ से मिलती है आपको कि यहाँ पर जाइए इस तरह से आप काम करिए इस तरह से आपको रोजगार मिलेगा किस तरह से ये जानकारी आप तक पहुँचती है मुझे किसी ने बताया था जी आपका क्या नाम है मेरा नाम नव्या रानी है अच्छा नव्या आप क्या काम करती हैं यहाँ पे यहाँ पे मैं गुड़ पैकिंग करती हूँ जार में सात सौ ग्राम आठ सौ ग्राम में जो इनके प्रोडक्ट हैं बूरा है गुड़ है और जो डैमरा है ये सारी चीज़ें हम वो करते हैं पैकिंग और स्टिकर वगैरह की चैकिंग वगैरह सब हम खुद ही करते हैं अच्छा इसमें कोई मिलावट होती है नहीं कोई मिलावट नहीं होती बिल्कुल मिलावट नहीं होती नहीं अरे सब कुछ ऑर्गेनिक हाँ सब कुछ ऑर्गेनिक और जर गन्ने से सम्मिलित होता है हाँ तो मार्केट में डिमांड है अच्छी बहुत अच्छी डिमांड है अच्छा हाँ कहाँ कहाँ जाता है यहाँ से जो बना हुआ आपका प्रोडक्ट है कहाँ कहाँ बेचते हैं बाहर काफ़ी तो नहीं पता थोड़ा ही पता थोड़ा है जैसे है दिल्ली है और अभी पंद्रह सौ कार्टन बहुत दूर गए थे हमारे युवा कहाँ कहाँ से पढ़ाई करके अपने लोगों के बीच काम कर रहे हैं आपका क्या नाम है सोनम रानी अच्छा सोनम रानी अब यहाँ पर काम कितने समय से कर रही हैं आप एक साल से अच्छा मुझे ये जो हमारी महिलाएं चौका करती हैं वो घरों से बाहर निकल कर इस तरह से रोजगार करेगी काम करेगी तो गांव की तरक्की कितनी हो सकती है बहुत ज्यादा अगर ऐसे काम करेंगी ना बाहर अपने पैरों पे खड़े हो के तो बहुत ज्यादा तरक्की आप अपने पैरों पर पे खड़ी है जी यानी आत्मनिर्भर भारत की हम आत्मनिर्भर महिला कह सकती है हाँ। क्या बात है अच्छा आमदनी ठीक ठाक हो जाती है हाँ तो अब आपको मिला देते हैं कि किस तरह से हमारे युवा यहाँ पर काम कर रहे हैं आप एक तो आप युवा है और तमाम युवा महिलाएं यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो जिन्होंने इंटर्न पास कर ली है जो ट्वेल्थ करके कंप्लीट कर रही है किसी ने ग्रेजुएशन कर चुकी है बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो शादीशुदा है तो यहाँ पर एज ग्रुप का कोई मतलब नहीं है लेकिन जितनी भी हम महिलाएं हैं महिला है। आपका क्या नाम है मेरा नाम श्रे गुप्ता है मैम जी आपके बारे में जानना चाहूंगी की आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं मतलब यहाँ काम करना आपने क्यों सोचा की नहीं यहीं पे काम करना मैम uh, हम चाहते हैं कि क्योंकि ये एक बैकवर्ड एरिया है तो इसकी तरक्की हो हम uh, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स बना पाएँ साथ में अच्छे लोगों को जोड़ पाएँ गाँव की महिलाओं को जोड़ पाएँ तो टू मेक अ डिफरेंस आई हैव ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन जी जी पढ़ाई की है कहाँ तक पढ़ाई की है आपने मैम मैंने मास्टर्स करी है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से तो उसके बाद लंदन में पढ़ने के बाद वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी बट गवर्नमेंट इज़ सपोर्टिंग एग्रीकल्चरल सेक्टर अलॉट और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के जैसे सर्विसेज हैं या मैन्युफैक्चरिंग है उधर ऑलरेडी काफ़ी कंपटीशन भी है और तरक्की भी हुई है बट एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिस जिसपे गवर्नमेंट भी सबसे ज्यादा फोकस कर रही है सारी मिनिस्ट्रीज बहुत फोकस कर रही हैं इस चीज पे तो इसको बढ़ाने के लिए इसको और सबको सपोर्ट करने के लिए और अपनी स्किल्स जो हमने सीखी हैं बाहर पढ़ के उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने यहाँ पे वापस आके इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का प्लान बनाया तो आज की चौपाल चर्चा जो है वो थोड़ी सी अलग है किस तरह से हमारी महिलाएं काम कर रही हैं किस तरह से यहाँ पर हमारी महिलाएं काम करके अपने आप को आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भर महिलाएं कह रही हैं किस तरह से महिलाओं का कहना है कि अब दोगुनी जो है हम खुद कर रही हैं चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं आप कहीं मत जाइए भैया अरे तू भी ले पर खाएगा कैसे मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा बेटे अकेले अकेले खेती कब तक करेगा मतलब गांव में बीस पच्चीस किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा कर ले फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी फिर पी ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुँचेगी बड़े बाजार तक अच्छा आ, अरे भाई कहाँ चल दिया सबको साथ लाने आमदनी बढ़ाने तो किसान भाई समझ गए ना साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए ज्यादा मुनाफा कमाइए माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती तो चलिए ब्रेक के बाद बहुत स्वागत चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और फिर से जानते हैं कि किस तरह से पल्ला वाला गाँव जो है तरक्की कर रहा है इस गांव में हमारी महिलाएं जो है मिलकर काम कर रही हैं जब महिलाएं सब कुछ हो देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर से लेके बोर्ड से लेके सब कुछ महिलाएं हैं सोचिए वो भारत किस तरह से तरक्की कर रहा है मुस्कुराते हुए इसलिए खुशी हो रही है कि दिल्ली से 200 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पर आकर ये सुनने को देखने को मिलता है कि हमारी महिलाएं घरों से बाहर निकल कर काम कर रही है अब हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी है केवीके केवीके की सबसे बड़ी भूमिका होती है कि हमारे किसानों के बीच जाना है किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताना है सबसे पहले जानना चाहूंगी आपका नाम क्या है मेरा नाम डॉक्टर शकुंतला गुप्ता है मैं वहाँ की इंचार्ज हूँ कृषि कहाँ की कृषि के? विज्ञान केंद्र नगीना की मैं वहाँ की इंचार्ज हूँ और ए, मेरी एजुकेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुआ है अच्छा आपसे जानना चाहूंगी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं किसानों के बीच पहुंचाना है तो किस तरह से आप किसानों के बीच लेकर जाती है क्या भूमिका होती है आपकी हमारी भूमिका ये रहती है हम किसानों के बीच ले जाने से पहले अपनी पहले प्लानिंग करते हैं और उसकी रूपरेखा तैयार करने के बाद जो हमारी योजनाएं सरकार के द्वारा हमें दी जाती है उसको हम गांव गांव तक उसको पहुंचाते हैं अच्छा, आज हम जो है एप की बात कर रहे हैं कि महिलाओं का एक ऐसा एप तैयार हो जाना चाहिए जिसमें महिलाएं काम करें और भी ऐसी महिलाएं हैं जो अलग अलग जगहों पे काम कर रही हो सौरभ जी को छोड़ के की और भी महिलाएं तैयार हुई बिजनौर में आईपीओ का काम तो चल रहा है मगर अभी दो ही एपीओ महिलाओं का बना है बाकी सभी कृषक महिला कृषक पुरुष का बना हुआ है अच्छा महिलाओं के दो बन चुके हैं दो बन चुके हैं बस है जी ठीक और भी मैं आपसे बात करूंगी लेकिन सबसे पहले इनसे भी जान लेती हूं। जी क्या नाम है मैं, मेरा नाम है है मैम मेरा डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता है और मैं कृषि विज्ञान के नगीना से आए हैं आज हमने यहाँ का भ्रमण किया यहाँ पे हम लोगों ने सर्वे किया और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है और बहुत सारी महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है जैसे अभी यहाँ के डायरेक्टर हैं ये सौरभ गुप्ता जी उन्होंने भी बताया कि बहुत ही अच्छा कृषि उत्पाद जैसे कि हम देखते हैं कि 1990 के बाद क्या है कि विश्व बाजार में कृषि उत्पादों की काफ़ी डिमांड बढ़ी है और जनता कृषि जो भी जैविक उत्पाद हैं उन पर डिपेंडेंट ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि आधा धुंध आपका रसायन है और कीटनाशक है इन सब चीज़ों का यूज़ करके कहीं ना कहीं हम प्रगति के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छा लगा कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन करके उसका प्रोसेसिंग करके और मार्केट में ये भेज रहे हैं बहुत ही अच्छा बहुत ही सराहनीय कार्य है प्रभा जी अब जानना ये कि आप कितना अच्छा काम कर रही हैं क्योंकि आपको भी किसानों के बीच जाना है ऐसे और किसान तैयार करने हैं तो क्या आपकी नजर में ऐसे और किसान हैं जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हो अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हो और अगर आमदनी बढ़ाने की बात करूँ तो किस तरह से हमारे किसानों की आमदनी दोगुनी होगी मैम यदि मैं आमदनी की बात करती हूँ तो देखिए हमारे किसान जो है कलाकार हैं इस देश के कह सकते हैं अगर उनका एक ट्रैक्टर भी खराब हो गया ना तो वो फील्ड में ही खुद ही मैकेनिक होकर और खुद ही सही कर लेते हैं तो वो इस देश के लिए कलाकार माने जाते हैं बहुत ही एक्सपर्ट माने जाते हैं अब मैं दुगनी बात करूँ आमदनी की तो देखिए यदि हम इंडिया में देखें तो ड्रैगन फ्रूट इस समय ड्रैगन फ्रूट की खेती इंडिया में सिर्फ ट्वेंटी हो रही है बीस और हमारे यहाँ से जो भी ड्रैगन फ्रूट हो रहा है वो आयात हो रहा है हम यात नहीं कर रहे हैं हम आयात कर रहे हैं 80% ड्रैगन फ्रूट हमारे यहां के किसानों को महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा और उनको यह देखना है कि भाई हम वैल्यू एडिशन करके कोई भी प्रोडक्ट को क्योंकि न्यूट्रेटिव वैल्यू बहुत ज्यादा है ड्रैगन फ्रूट में या कोई भी प्रोडक्ट हो तो उन्हें वैल्यू एडिशन करके हम मार्केट में उसे कैसे सेल कर सकते कैसे पैकेजिंग कैसे ग्रेडिंग कर सकते हैं तो ये लो ये हम सारी चीजों के ट्रेनिंग भी देते हैं टाइम टू टाइम जो भी लेडीजें हैं महिलाएं हैं कृषक हैं वो हमारे यहां ट्रेनिंग लेने आते हैं यदि उनको ड्रैगन फ्रूट की, की खेती करनी है या कोई भी खेती पर निर्भर है, है तो चलिए आपसे यहाँ पे करता धरता आप ही है मैंने ये भी सुना है कि आप इनके बीच आती इन तमाम महिलाओं को सिखाती भी हैं नाम क्या है आपका मेरा नाम मधुश्री गुप्ता तो कह सकते हैं इस फैक्ट्री की मालकिन है बस जी मालिक तो जो काम करता है वही होता है अब हम तो इनके मालिक समझते हैं जो करता कार्यकर्ता लोग हैं अच्छा, आपकी उम्र ऐसी है कि मैं ये पूछ सकती हूँ कि कितना भारत में बदलाव हो गया कि एक समय था हमारी महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी और आज एक समय है कि गांव की महिलाएं बाहर निकलकर खुद काम कर रही हैं तो कितना बदलाव देख रही है नहीं बहुत बदलाव हो गया है और पढ़ाई की तरफ भी बहुत लोग जा रहे हैं और काम करने के लिए भी बहुत लोग उत्सुक हैं और चाहते हैं अपने पैरों पर खड़े होकर हम भी कुछ अपने परिवार की मदद कर सकें और अपने जो खेती के भी काम हैं उसमें भी महिलाएं बराबर आगे रहती हैं और जो बाहर जाने का जैसे जब से हमने फैक्ट्री में लेडीज़ को यहाँ पर रखना शुरू किया है काफ़ी उनमें कॉन्फिडेंस आया है और उनकी जो क्षमता है वो भी बढ़ी है एक तरह से जो उनके आसपास भी और भी महिलाएं ऐसी थी जो काम पर नहीं जाती थी उनको भी वो लोगों ने प्रेरित किया है कि हम भी काम करना है तो यहाँ पर कई दफ़े इतने हो जाती हैं कि हमको रोकना पड़ता है उनको कि बहुत लोग हो गए हैं अभी बाद में ज़रूरत होने पर हम आपको बुलाएंगे सीधा सा ये मतलब हो गया कि हमारी महिलाएं जागरूक हो गई है जागरूक बहुत जागरूकता तो बहुत बढ़ गई है एक तो ये काम करके उनमें कॉन्फिडेंस जब आ जाता है तो वो अकेली चार चार पाँच पाँच किलोमीटर दूर गांव से भी अपना आ जाते हैं इकट्ठे होकर भी आ जाती हैं साइकिल और रिक्शे से भी आ जाती हैं तो मतलब पहले कहाँ निकल पाते थे पहले तो यही रहता था कि लड़कियों को बाहर नहीं निकालना है लड़कियों को घर के अंदर ही रखना है सेफ्टी पॉइंट भी था और उनमें पढ़ाई की और योग्यता भी इतनी नहीं थी अब ये सक्षम हो गई हैं एक तरह से कि उनको और जो उनके परिवार में लोग बाग गलत आदतों के शिकार थे उनके दबाव में भी नहीं रहना चाहती हैं अब तो बिल्कुल समझ सकते हैं कि महिला लीडर अगर हमारी महिलाओं को कहीं ना कहीं रोजगार दे रही है तो वो गांव पल्ला वाला तरक्की जरूर करेगा और भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं देखिए एक्सपर्ट्स की यहाँ पर कमी नहीं है अब एक्सपर्ट्स ऑफिस में नहीं बैठते हैं किसानों के बीच पहुंच जाते हैं क्योंकि अब इनको ऑफिस में बैठने ही नहीं दिया जाता सीधा सा ये हो जाता है क्या नाम है आपका मेरा नाम सुबोध राजपूत है और मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में यहाँ पे आत्मा योजना में ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर हूँ और मैं किसानों के बीच में ज़्यादा रहना पसंद करता हूँ और मैंने जैसे कि यहाँ पे देखा है कि जो फार्मर्स हैं इस फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं अपने उत्पाद को फैक्ट्री तक पहुँचाते हैं और उसको एक प्रोसेस के बाद उसको बाहर सेल होता है और उनको मुझे लगता है और उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट जो एक फसल की हार्वेस्टिंग के बाद जो बेनिफिट उनको होना है उससे ज़्यादा डेढ़ गुना बेनिफिट उनको यहाँ से मिल करके हो जाता है और उन्हीं फार्मर्स की जो महिलाएं हैं वो यहाँ से कनेक्ट होकर के यहाँ पे खाली समय में काम करती हैं और भी अच्छा पैसा कमाती हैं भारत सरकार इस बार पे बहुत जोर दे रही है कि, कि किसान की आमदनी दुगनी होनी चाहिए और मुझे लगता है कि ये बहुत एक, एक, एक अच्छा तरीका है आमदनी को दुगना करने का फसल को खेत पे तैयार होने के बाद उसके जो फसल उत्पादन है हमारा उसको एक प्रोसेस के बाद बाहर सेल किया जाए एक बहुत शॉर्टकट तरीका है जिससे जी, जी। तो नाम सौरभ जी है वो महिलाओं को रोजगार देते हैं तो क्या ऐसे और भी किसान है इसी गाँव में काफी किसान हैं इस गांव में तो नहीं है लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में काफी ऐसे फार्मर्स हैं जो एक अलग हटके कुछ काम कर रहे हैं और फसल में भी उन्होंने जो हमारे यहाँ नॉर्मल कॉमन फसल है गन्ना गेहूँ धान उससे अलग हट करके भी और भी फसल ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं कुछ लोग मोती उत्पादन कर रहे हैं कुछ लोग जैविक पे ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको मार्केट में सेल कर रहे हैं विभाग के टच में रहते हैं जानकारी लेते रहते हैं और उन लोगों से हम एक्स्ट्रा जो हमारे किसान हैं जिनको जो नॉलेज नहीं है जो देखना चाहते हैं वर्मी कम्पोस्ट कैसे बनता है हम वहाँ पर विजिट कराते हैं उनको दिखाते हैं और वो काफी कुछ वहाँ से सीखते हैं और भी अधिकारी है उनसे भी मैं जानना चाहूंगी की कि किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है किस तरह से हम आमदनी को बढ़ा सकते हैं किस तरह से हमारी महिलाओं को रोजगार दे सकते हैं एपियो के साथ जुड़ सकते हैं क्या नाम है आपका जी मैं डॉक्टर शिवांगी कृषि विज्ञान की नगीनल से अच्छा केवीके की अगर हम बात करें तो जितनी भी सरकार की योजनाएं आती है वो केवीके के थ्रू किसानों तक पहुंचती है एप बनाने का काम कितना यहाँ पर हो गया हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा जो जनपद है वो एफपीओ बनाने में काफ़ी आगे है कुल कुल पच्चीस एफ हैं और इनमें से दो महिलाओं के भी एफपीओ हैं और जो हम हम हमारी जो भूमिका है इसमें कृषि विज्ञान केंद्र की हम प्रसार का कार्य करते हैं और अभी तक हमने अगर सरकार की नीतियों की बात करी जाए तो जो जैविक खेती है प्राकृतिक खेती है उन पर लगभग ढाई से तीन कृषकों को प्रशिक्षित भी कर दिया है और ये जो तो कृषक हैं वो बहुत आगे अपनी कंपनियाँ डाल रहे हैं जैसे जहाँ पे हम उपस्थित हैं सौदब जी ने अपनी एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक इतना बड़ा सेटअप बना रखा है उसी तरीके से छोटे बड़े बहुत सारे किसान हैं इस जनपद के जो बहुत कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में जैविक के क्षेत्र छे, छे, क्षेत्र में जैसे बासमती के लिए हमारा आ, जो जनपद है वो बहुत आ, नाम है हमारे जनपद का गन्ने में शक्कर गुड़ गुड़ से और बाकी बाकी सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट बनते हैं ऑर्गेनिक या जैविक कहा जाए सिरका, सरसों का तेल ऐसी बहुत सारी उत्पाद हैं जो हमारे कृषक कर रहे हैं और जो सरकार की नीतियां हैं उनका लाभ उठाते हुए कर रहे हैं बिल्कुल तो देखिए हम बात धामपुर की करें तो धामपुर खेतीबाड़ी में अपने आप में जाना जाता है बात धामपुर ग्रीन की करें तो ऐसे न जाने कितने किसान भाई हो रहे हैं जिन्होंने छोटी छोटी कंपनियां बनाई हैं बिचौलियों को खत्म कर दिया है अब सीधा सा इनका कहना है कि बिचौलियों को नहीं देना है हम खुद ही मालिक बनेंगे और क्यों हमारा भाव जो है वो दूसरा तैयार करे क्यों हमारे भाव को कोई और तय करे हमें खुद को तय कर रहा है हम खुद पसीना बहाते हैं खुद मेहनत करते हैं बस जानकारी जो है ऐसे हमारे बड़े जो किसान होते हैं जिन्हें सफल किसान के नाम पर जाना जा सकता है सौरभ जी हो गए हैं यहाँ पर तमाम हमारे एक्सपर्ट्स हो गए हैं वो किसानों के बीच पहुंच रहे हैं उन्हें छोटे छोटे आगे काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं बहुत सारे काम सिखा रहे हैं तो इस वक्त जो है धामपुर ग्रीन में किसानों के बीच किसान महिलाओं के बीच कितनी अद्भुत चौपाल होगी जब आप चौपाल में सिर्फ महिलाओं को देख रहे हैं करता धरता हमारी महिलाएं हैं तो देखिए ऐसे ही हमारे भारत में ने जाने हमारी महिलाएं क्या कुछ कर रही हैं तमाम जानकारी हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश से आपको देंगे तब तक के लिए नमस्कार वो लोग जिंदा है